हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बैठ जा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई एम तनुष भंडारकर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड विशेज एंड इतने पॉजिटिव थॉट्स मुझे देने के लिए ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, मैसेजेस के थ्रू, कॉमेंट्स के थ्रू, एंड थैंक यू फॉर सो मच। एक दिन आप लोगों पर गुस्सा हो गई थी कि आप लोगों पे नहीं हुई थी, जो गुस्सा होने वाले लोग थे उनके लिए ही हुई थी। बट यूजुअली मैं ऐसा कुछ करती हूँ नहीं, मुझे ऐसा गुस्सा आता है नहीं, बट उस दिन आ गया तो सॉरी, सिम्बा को पानी चाहिए था तो वीडियो बीच में कट करना पड़ा, दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यही बोल रही थी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड विशेज एंड मैं ये ब्लॉग भी इसीलिए बना रही हूँ जस्ट टू गिव एन अपडेट टू ऑल ऑफ यू दैट आई एम डूइंग फाइन लिटिल वेल। ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू इन्फॉर्म की दैट हाउ आई एम डूइंग, क्योंकि इतना सारा प्यार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में देते हो कि अच्छे से रहो, ध्यान रखो एंड ऑल, तो अच्छा फील होता है। तो इसीलिए सोचा इन्फॉर्म कर दूँ। और जो ब्लॉग में सुबह से ही स्टार्ट करने वाली थी शूट करना, लेकिन फिर छोटा सा कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जो कि है ये मेरा हाथ कांच से कट गया। अराउंड 12:30 हो रहे थे और मैं क्लीन कर रही थी, मतलब घर की सफाई कर रही थी, और एक बॉटल है उसका थोड़ा सा कुछ निकला हुआ था, तो मुझे भी नहीं पता था, अभी पता लगा, मैंने फेंक दिया उस बॉटल को, और दैट वाज अ ग्लास बॉटल, तो उसमें से थोड़ा ज़्यादा कट गया। ऐसा नहीं था कि घर में ही ड्रेप किया जाता, पर थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो लगा कि शूट नहीं करती हूँ, बट फिर सोचा कि नहीं कर ही लेती हूँ यार, क्योंकि बातें करते हुए अच्छा सा भी फील होता है एंड चीज़ें शेयर हो जाती हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मुझे शेयर भी करनी है रिगार्डिंग प्रीवियस ब्लॉग्स। में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि पीपल आर लिटिल इन डाउट, तो वो चीज़ क्लियर करनी है कि नहीं ऐसा नहीं है और ऐसा है। तो अभी गाड़ी में चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिले हो गया है वहाँ जाने के लिए। आई एम गोइंग टू द पार्लर। सो जो आज का ब्लॉग है वो है अबाउट सेल्फ पैम्परिंग, सेल्फ केयर ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू। आप रास्ते में ही लगे। नमस्ते बहुत दिनों बाद देखा मम्मी ने मुझे हंसते हैं ना, जाए इधर अच्छी लगी इतनी निगाल में बना के खुश लगी। जाओ माँ यहाँ पार्लर तक जाओ। हाँ अभी आ जाऊंगी, बाय मम्मी। आउच, मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज थोड़ा सा कंफ्यूजन जो कि मैं क्लियर कर देती हूँ। एक कमेंट था उसमें लिखा था कि आप ध्यान रखो, आप ब्लॉग शूट मत करो या रील्स, मतलब उसका केयर करो, बहुत ही अच्छा सा कमेंट था। बट मैं उसमें एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो लास्ट होम टूर ब्लॉग आप लोगों ने देखा है वो बहुत पहले का शूट भी नहीं है, वो अभी रिसेंट का भी शूट नहीं है आफ्टर द बेला केस। वो एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा मैंने वो शूट कर लिया था, तो मैंने वो पोस्ट बाद में किया है क्योंकि टाइम मुझे उस टाइम मिला नहीं है, उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को तो पता ही है। उसके बाद मैंने अभी रीसेंट टाइम में कुछ भी शूट नहीं कर रहा है, ना मैं कर रही हूँ। जो भी आप मेरी रील्स और व्लॉग्स देख रहे हो वो पुराने ही हैं, मतलब जो बेला वाले से रिलेटेड थे वो सारे रीसेंट थे, वो भी एक्सप्लेनेशन वाला हो गया था या मुझे जो उसके लिए शेयर करना था वो था। और स्पेसिफिकली रील्स, जितनी भी रील्स और शॉर्ट वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वो सारी पहले से शूट हुई हुई है यार। आफ्टर बेला केस मैंने मतलब कुछ भी शूट नहीं किया, अभी तक शूटिंग की ही नहीं है, मतलब ऐसे मन ही नहीं होता मेरा, मतलब इतना, मतलब वैसे बता रही हूँ कि कोशिश करती हूँ, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो रील्स वगैरह मैंने अभी तक शूट नहीं किया है,
कोई भी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इन्फॉर्म किया था कि कुछ टाइम के लिए आई विल बी पोस्टिंग माय ओल्ड व्लॉग्स एंड वीडियोस जो पहले से शूट हुए हुए हैं। तो ये मुझे ऐसा लगा कि कोई कन्फ्यूजन है वो क्लियर करना चाहिए टू पीपल, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अभी उसमें एक रैंडम आंसर भी आया कि नहीं शी वॉजन प्रेगनेंट एट दैट टाइम जब होम टूर शूट हो रहा था। नहीं ऐसा नहीं है यार, आई वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम जब मैं होम टूर वाला जो मेरा व्लॉग है उसमें, वो अभी का ही है, लाइक एक महीना ही, आई मीन एक महीने से पहले का बस थोड़ा सा। तो क्लियर, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब दूसरी बात पे आते हैं। एक आईडी थी, मैंने देखा कि नोटिस किया, वैसे ऐसा पहली बार ही हुआ है मेरे साथ, कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चैनल पे लाना, लाइक इन व्लॉग कमेंटिंग इन ईच एंड एवरी शॉर्ट्स, कमेंटिंग इन उसमें सब में कमेंट करना व्लॉग्स में और शॉर्ट्स वीडियोस में। मैंने सोचा है पता नहीं क्या, एंड देन वो चीज़ मैंने इग्नोर कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, कमेंट्स कैसा भी कोई भी कर सकता है, वो मर्जी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बेला, तो वहाँ थोड़ा सा मेरे से टॉलरेट नहीं होता। मैं वैसे भी टॉलरेट नहीं करती थी बेला के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम यूट्यूब जब से मैंने चलाना शुरू करा है, ऐसा मैंने पहली बार किया कि मैंने किसी को अपने चैनल से हटा दिया हो, अभी तक तो नहीं किया था, वो पहला ही केस ऐसा हुआ है। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअली उसमें ये लिखा गया कि मतलब उसमें मतलब ऑब्वियसली ये लिखा कि बहुत ही बुरी तरीके से लिखा हुआ था कि रिगार्डिंग बेला, विच आई रियली डोंट लाइक। और ये भी दो तीन कमेंट थे नॉर्मल थे बेला के ऊपर, फिर जो वो एक एक्सट्रीम वाला कमेंट आया ना, फिर तो मैंने हटा दिया। थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें ऐसा था कि इस कुत्ते के बारे में ही लिखती रहोगी क्या, बताती रहोगी, बस और भी सब कुछ था, बट बस वहाँ पे टेम्परामेंट हिल गया। बेला मेरे सारे व्लॉग में आपको उसका नाम अभी भी सुनने के लिए मिलेगा, मेरी लाइफ टाइम के लिए भी सुनने के लिए मिलेगा, हर चीज़ में। यार उस बच्चे का पाउज पंजा होता है ना, उसके प्रिंट मेरे लॉकर में है, मेरी शॉप में है, रखे हुए मैंने अपने पास। आप समझ सकते हो हाउ इम्पॉर्टेंट शी वॉज टू मी एंड रहेगी लाइफ टाइम। बेला मेरी हर चीज़ में थी एंड रहेगी भी। और अगर आप में से किसी को भी ये चीज़ बॉदर करती है तो सिंपली यू कैन इग्नोर इट, डोंट वॉच, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, मुझे आप सोल्यूशन अपने लिए ढूंढ सकते हो। एंड अबाउट द सेल्फ केयर थिंग, तो काफ़ी दिन हो गए थे बाहर बाहर, थोड़ा सा कम निकल रही थी, लेकिन थोड़ा बॉडी एक और शोल्डर और एक पैरों वैर में थोड़ा सा पेन रहता ही रहता है, वो डे वन से रहता है, लाइक प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से ही रहता है। तो कीपिंग योर सेल्फ हाइजीनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी केयर आपको खुद से करनी पड़ती है, नो बडी विल डू इट फॉर यू, तो करो अपनी केयर। हाय कैसे हो आप लोग, लंबी उम्र है मेरी, आप लोग मेरी बात कर रहे हो, और देखो आज मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, बस यूजुअली आई क्लियर नहीं आ रहे आप लोग, अब आ रहे हो। हाय मैं सोच रही थी पूजा होनी चाहिए, हेड मसाज कर रहे थे, याद कर रहे थे, याद कर रहे थे। नहीं यार मैं ठीक हूँ यार, ये लोग भी देखो मेरे लिए सोच रहे हो, हाय रीसेंट व्लॉग्स की वजह से सोच रहे होगे ना। लॉग इन करना भूल गई थी, और अभी बज रहे रात के 12:30, और अब मुझे याद आ रहा है। एक्चुअली क्या होना, जब मैं पार्लर से वापस आ रही थी ना, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, और फिर खाना वाना किया एंड मैं थोड़ी थक भी गई थी, तो फिर मैंने कहा भूल भी गई और थक भी गई, तो फिर थोड़ा आलस आ गया, तो अब मैं वॉशरूम की तरफ गई, और फिर एक चीज़ मुझे दिखी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग एंड भी कर लूँगी और उसको दिखा भी देती हूँ, एंड बताऊँगी नहीं सीधा दिखाऊँगी, क्योंकि है ही इतनी क्यूट सी चीज़। चिंपी तूने तो खाना खा लिया ना बाबू, काली को देंगे, आ जा अभी आपको काली से मिलाऊंगी, और आप उसकी रिएक्शन देखना, शी इज़ सो क्यूट। और ये ना अभी यहाँ पे सिर्फ चार पाँच दिन से आने लगी है, तो आई स्टार्टेड फीडिंग हर, बट आई प्रेफर गिविंग हर फूड एट नाइट ओनली, मुझे ये टाइम बहुत सही लगता है, नो इंटरफेरेंस नथिंग, जस्ट फीड देम एंड यू नो
स्पेंड गुड टाइम विद देम। वो मोती है ना, वो उसको बहुत गुस्सा करता है। ये भी एक रीज़न है कि इसको चुपचाप से खाना देना पड़ता है, क्योंकि मोती तो ऐसा चौड़ में खा के जाता है एकदम मस्त। एंड एक चीज़ बताऊँ, शी इज़ एग्जैक्टली लाइक चंपा, एग्जैक्ट सेम बिहेवियर जैसे चंपा का था, इतना लविंग बिहेवियर टूवर्ड्स मी। चंपा के टाइम पे आई गॉट लेट, मुझे बहुत लेट पता लगा था, और वही है ना, मिस्टेक से ही आप सीखते हो, तो बस वही चीज़ है। आई नेम्ड हर काली, एंड काली के लिए मुझे ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या मैं कर सकती हूँ जिससे कि इसको रीलोकेट ना किया जाए। आई यू गाइज मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि चंपा के साथ क्या हुआ था। तो हाय काली, हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो, रुको 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 रुको, मैंने तेरे को शेक हैंड सिखाया था, नहीं बैठो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, शिकन सिखाया था ना, शिकन सिखाया था ना, शिकन करो, लाओ शिकन करो, देखो सिखाया था, शिकन कर, सो ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड यस, द मैं थक गई सीढ़ी से ऊपर आते आते, पार्लर सेशन वॉज अमेजिंग, और शायद मुझे एक दो दिन पहले वहाँ चले जाना चाहिए था, मेरे पैरों पर बहुत आराम है, मेरे पैरों पर बहुत दर्द था। I'm feeling very good. Good night.